नमस्कार। कई बार हम सोचते हैं कि जब हमको स्टॉक मार्केट में लॉस होता है तो वो पैसा कहाँ जाता है, और जब हमको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है तो वो पैसा कहाँ से आता है। जब हम चेस खेलते हैं तो अगर चेस में एक प्लेयर जीतता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हारेगा, तो इसे कहते हैं जीरो सम गेम। जैसे फिलहाल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप के किसी मैच में अगर इंडिया जीतता है तो उसका मतलब है कि अपोनेंट टीम हार गई है, तो इसे कहते हैं जीरो सम गेम, यानी एक की जीत मतलब दूसरे का लॉस। तो कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या स्टॉक मार्केट भी जीरो सम गेम है, यानी अगर हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हुआ है तो इसका ये मतलब है कि किसी को लॉस हुआ है, और इसी का उल्टा, यानी अगर हमें किसी शेयर में लॉस हुआ है तो उसका क्या ये मतलब है कि किसी को प्रॉफिट हुआ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम नहीं है। जब कोई पोकर खेलता है तो जो पर्सन पोकर में जीत जाता है उसे जो लोग हारे हैं उनसे पैसा मिलता है, तो पोकर भी एक जीरो सम गेम है, पर स्टॉक मार्केट नहीं। तो अगर स्टॉक मार्केट जीरो सम गेम नहीं है तो फिर अगर किसी को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है तो वो पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि जीरो सम गेम में जो लोग गेम हारते हैं उनका पैसा विनर को मिलता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यानी जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है उनका पैसा विनर्स के पास, यानी जिनको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है उनके पास नहीं जा रहा है। तो फिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक समझने होंगे कि वेल्थ इज क्रिएटेड, इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। वेल्थ क्रिएट होती है, वो जीरो सम गेम नहीं है। यानी अगर कोई कंपनी कोई बिजनेस शुरू करती है, या आप कोई बिजनेस शुरू करते हो और किसी प्रोडक्ट को बेचने लगते हो, तो जो प्रॉफिट होता है उससे आपकी वेल्थ क्रिएट होने लगती है। तो आपके बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट मिला उसका ये मतलब नहीं है कि किसी को लॉस हुआ है। तो अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है तो उसका मतलब है कि कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई है। सिमिलरली अगर किसी कंपनी की शेयर प्राइस घटती है तो उसका मतलब है कि कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू घट गई है। चलो तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर आप अमेज़न की पिछले 10-15 सालों की शेयर प्राइस देख सकते हो। आप देख सकते हो कि 2006 में अमेज़न की शेयर प्राइस $35 के करीब थी, जो कि बढ़ते बढ़ते $100 हो गई, 200, 300, 500, 700, 1000 और अभी $2000 के करीब आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में अमेज़न की शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही है। यानी पिछले 10-15 सालों से जिन इन्वेस्टर्स ने अमेज़न में इन्वेस्ट किया है उन्हें प्रॉफिट हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को लॉस हुआ है। ये प्रॉफिट उनको हुआ है क्योंकि अमेज़न की बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी रही है। पिछले 10-15 सालों में अमेज़न ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, उनका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और अब वो अलग अलग चीज़ों में एंटर कर रहे हैं, साथ ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो अच्छे बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते अमेज़न ने ये वेल्थ क्रिएट की है, और अच्छे बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते अमेज़न की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई है। अब एग्जांपल लेते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन का। तो रिलायंस कम्युनिकेशंस की शेयर प्राइस पिछले 8-10 सालों से लगातार गिर रही है। 2008 में कंपनी की शेयर प्राइस 700 रुपए के करीब थी, जो कि फिलहाल 1 रुपए के करीब आ चुकी है। तो जैसे कि हमें पता है कि कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो करती है, तो अमेज़न का बिजनेस लगातार अच्छा रहा है, जिसके चलते कंपनी के शेयर प्राइस ने कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस को फॉलो किया है और कंपनी की शेयर प्राइस भी उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस की तरह बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड, रिलायंस कम्युनिकेशंस की परफॉर्मेंस लगातार बिगड़ती गई, जिसके चलते कंपनी की शेयर प्राइस भी लगातार गिरती चली गई। तो जिन शेयर होल्डर्स ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर्स 5-10 साल पहले खरीदे थे और अब बेचे हैं, तो उन्हें लॉस हुआ है। तो उन्हें जो लॉस हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को प्रॉफिट हुआ है। उनको लॉस हुआ है क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन की बिजनेस परफॉर्मेंस खराब हो गई है, जिसके चलते कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो गई है। तो बिजनेसेस जो है वो वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, और अगर कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ने लगती है। इट्स दैट सिंपल। तो ये जो भी बिजनेसेस हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जीरो सम गेम नहीं है। वही जब हम डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो वो जीरो सम गेम है। तो आशा करता हूँ कि आपका मेन डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब हमको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है तो वो पैसा कहाँ से आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।